हाय फ्रेंड, आज हम बात करते हैं किससे रिलेटेड, कॉलिंग एरियाज और कॉलिंग एडवांस। जब एक ही क्वेश्चन दिए हों तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन 1st January 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 1 lakh इक्विटी शेयर इशूड बाय कामनी लिमिटेड करंट ए होल्डर of 500 shares did not pay the first call money. Arjun, a shareholder holding 1000 share, paid the second and final call of this 5 per share along with the first call. Pass the necessary journal entry for the amount received by opening calling arrears and calling advance account in the book of the company. यानी कंपनी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 January 2006 को कंपनी ने फर्स्ट कॉल की थी 3 rupees से, और कितने शेयर पे किया था, 1 lakh शेयर पे, और कंपनी को जब रिसीव हुई है, इशू की हुई है, तो एक शेयर होल्डर जो करण है जिसके पास 500 शेयर था उसने पेमेंट नहीं किया, यानी वो क्या हो गई, वो कॉलिंग एरियर्स हो गया। एक शेयर होल्डर जो है अर्जुन, उसने क्या कर दिया था, उसने एडवांस दे दिया था कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे, जो सेकेंड और फाइनल कॉल की अमाउंट कितने रुपये से थी, 5 rupees से। तो अब देखिए, जब कंपनी इस अमाउंट को जब रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग के समय क्या जर्नल एंट्री करेगी, यानी कंपनी अगर पहले रिसीव कर रही है उसके पहले अगर कंपनी ने ड्यू किया होगा तो जर्नल एंट्री क्या की होगी, फर्स्ट कॉल तो ड्यू नॉर्मली क्या हुआ, जैसे हम लोग पहले भी किए हुए हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1 lakh into 3 lakh से। लेकिन जब रिसीव करेगी तो कंपनी के यहां पर क्या एंट्रियां होंगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो यहां पर रिसीव के टाइम पे होगी, यानी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, फिर कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब कंपनी कॉलिंग एरियस तो हो गया, एक शेयर होल्डर ने एडवांस भी दे दिया है, तो टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए यहां पे कितना आएगा, जितना कंपनी को शेयर इशू करना था, कंपनी को करना कितना था, 1 lakh into फर्स्ट कॉल के अमाउंट कितने रुपए से, 3 rupees से, तो 1 lakh into 3 किया तो कितना आ गया कंपनी के यहां पे, 3 lakh। एक शेयर होल्डर है कंपनी का, एक शेयर होल्डर है जो करण है जिसके पास 500 शेयर था, उसने पेमेंट नहीं किया, यानी 500 के हिसाब से नहीं पेमेंट किया, तो 500 इंटू 3 क्या हो गया यहाँ पे, 1500 कॉलिंग एरियस हो गया, ओके। एक शेयर होल्डर है अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर था, उसने एडवांस दे दिया, किसका दे दिया, फाइनल कॉल कितने रुपीज का है, 5 rupees का, तो कितने का हो गया, 1000 into 5 कितने से हो गया, 5000। अब कंपनी के पास रिसीव कितनी होगी, जितना 3 lakh 5000 minus 1500, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 3 lakh, ओके, 3 lakh 3500, ये क्या हो गया कंपनी के पास रिसीव हो रही है, ओके। अब इसके बाद जो जनरेट हो गई नरेशन हुआ क्या, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव तो की है कंपनी, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, यानी 500 शेयर को छोड़ के, एंड रिसीव किसने को की हुई है, इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस कितने शेयर को एडवांस में रिसीव कर दिया कंपनी, 1000 शेयर रिसीव इन एडवांस ऑन 1000 शेयर्स, ओके। ये था कंपनी के यहां पे क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉलिंग एडवांस, ठीक।
इस टाइप से जब एक ही क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियस आते हैं तो इसे सॉल्व कैसे किए जाते हैं, फिर से बता देते हैं क्वेश्चन में क्या था। फिर से देखिए, कंपनी कह रही थी कि 1,000 शेयर 1 लाख शेयर था जो 3 रुपीज से फर्स्ट कॉल से ड्यू की। वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था उसने कॉल उसने पेमेंट नहीं किया, तो जब पेमेंट नहीं किया तो कॉल इन एरियस हो गया। और जब उस एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर था उसने सेकेंड कॉल जो 5 रुपीज की थी उसने एडवांस पे कर दिया, तो क्या हो गया, कॉल इन एडवांस हो गए। ओके, अब यहाँ पे जब कॉल इन एडवांस हो रही है तब इसके बाद जो कंपनी की जब रिसीव कर रही है फर्स्ट कॉल में, तब जनरेटी क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियस में कौन सा जो अमाउंट उसने पेमेंट नहीं किया था शेयर होल्डर ने, और कॉल इन एडवांस में कौन सा जो इसने एडवांस पेमेंट कर दिया था। तो अब कंपनी को चाहिए था फर्स्ट कॉल में कितने से, 1,00,000 × 3 के हिसाब से 3 लाख। कॉल इन एडवांस आया 1,000 × 5 के हिसाब से कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियस में 500 × 3 के हिसाब से कॉल इन एरियस आ गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया 3,03,500। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो क्या, किस टॉपिक की बात करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी उसमें जब कंपनियां एसेट्स परचेस करती है तो उसके अगेंस्ट में जो शेयर इशू करती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।